प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल IGMC में रेजिडेंट डॉक्टरों एसोसिएशन द्वारा 2 घंटे की पेंडाउन स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। आज IGMC में डॉक्टरों ने सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की हड़ताल शुरू की। इस दौरान डॉक्टरों ने लोगों को स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूक किया और रक्तदान भी किया। 1 हफ्ते से डॉक्टर वार्डों में काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं डॉक्टरों ने जारी रखी, परंतु OPD में मरीज डॉक्टरों का इंतज़ार करते दिखे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जरियाल का कहना है कि बैंक गारंटी के मामले में वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अब तक 8 बार मिल चुके हैं, मगर केवल आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि सरकार रेजिडेंट डॉक्टरों को गुमराह कर रही है। बीते 1 साल से ना तो बैंक गारंटी ख़त्म की गई है, ना ही कोई उनकी अन्य मांग पूरी की गई है। उनका कहना है कि डॉक्टरों का स्टाइफंड बढ़ाया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि वे बैंक गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि यह बैंक गारंटी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जगह वे अन्य राज्यों के तर्ज पर बॉन्ड भरें। हालांकि सरकार ने बैंक गारंटी को हटाकर अब 10 लाख से 5 लाख कर दिया है। माई सेल्फ डॉक्टर अजय जरियाल, मैं आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। आज हम यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हैं। हम बैंक गारंटी के अगेंस्ट हैं। बैंक गारंटी का मतलब है कि डॉक्टर, सरकार चाहती है कि डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, जो MD करना चाहता है, उससे 10 लाख लेगी सरकार। तो हम चाहते हैं कि किसी गरीब स्टूडेंट का सपना ना टूटे ऐसे में, क्योंकि सभी ज़्यादातर लोग मध्यम वर्ग परिवार से हैं। मध्यम परिवार का लोग 10 लाख रुपये नहीं दे सकते हैं, तो सरकार 10 लाख चाहती है कि पहले जमा कराएं हम सरकार के पास, तभी वो MD करने देगी। जैसे में मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो MD नहीं कर पाएंगे और स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे। इसके लिए हम सरकार से, CM सर से पिछले 2 सालों में 10 बार मिले हैं, मगर CM सर ने इसके लिए कुछ नहीं किया है। 1 तारीख से हम ब्लैक बैचेस डाल रहे थे, पिछले 10 दिनों में हम ब्लैक बैचेस डाल रहे थे। अब हमारा डिसाइड हुआ कि सरकार हमारी बात जैसे नहीं मान रही है, तो हमने 2 घंटे की स्ट्राइक शुरू की है। 9:30 से 11:30 तक हम 2 घंटे की स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 3 दिनों के बाद हम फुल डे स्ट्राइक करेंगे। कल से टांडा मेडिकल कॉलेज के भी रेजिडेंट डॉक्टर हमारे साथ स्ट्राइक में साथ होंगे। तो सरकार की ये पॉलिसी हमें बहुत गलत लग रही है कि गरीब लोगों को तो तंग कर रही है, स्पेशलिस्ट नहीं बनने दे रही है। और जो पिछले 10 सालों में 100 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़ के गए हैं, जिन्होंने बॉन्ड दिया था, सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर सरकार कह रही है कि हमें डॉक्टरों की कमी है, तो सरकार रेगुलर जॉब नहीं डॉक्टरों को नहीं देती है। हम चाहते हैं सरकार डॉक्टरों को रेगुलर जॉब दे। और हमारे कई मित्र हैं जैसे पेरिफेरी में, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है कि जिस हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग कर रही है वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, CT स्कैन नहीं होता है, और किसी गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग ऐसे हॉस्पिटल में कर देते हैं जहाँ पे ऑपरेशन नहीं होते हैं।